नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आप लोग अपने YouTube चैनल पर। महायोद्धा कर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, भली बात ही परिचित हैं आप। उनसे कुंडल कवच मांग लिए गए थे इंद्र के द्वारा, बदले में शक्ति दे दी गई थी गंगा किनारे पर। तो इस वीडियो में आपको वही प्लेस दिखाने वाला हूँ किस जगह पर उन्होंने कुंडल कवच दान कर दिए थे। जैसे ही वे गंगा से स्नान करके बाहर निकलते हैं, महाभारत में आपने देखा होगा, तो वहां पर इंद्र प्रकट हो जाते हैं और उनसे कुंडल कवच मांग लेते हैं ताकि अर्जुन को सेव किया जा सके और कर्ण को मारा जा सके। तो जब तक कुंडल कवच उनके शरीर पर थे, स्थायी रूप से जब उन्होंने जन्म लिया था तभी से वे बने हुए थे, और जब तक वे थे उसके शरीर पर कोई उन्हें मार नहीं सकता था, इसलिए कुंडल कवच मांग लिए गए थे। और कर्ण तो दान के लिए फेमस ही थे, जैसे ही गंगा स्नान करके निकलते थे तो वे कुछ भी उनसे मांग लिया जाता था तो वे दान किया करते थे। तो चलिए वीडियो को अपनी स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं वही प्लेस। पहले की तरह हमने यहीं से स्टार्ट की है अपनी वीडियो की स्टार्टिंग, इसी रास्ते से। तो अब सीधा चलते हैं हस्तिनापुर की तरफ और दिखाता हूँ आपको वही स्थान। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है कर्ण मंदिर। और यहीं पर कर्ण को सवा मन सोना मिला करता था, और यहीं पर वे गंगा किनारे स्नान किया करते थे। गंगा ये है यहाँ पर, ये बड़ी वाली गंगा नहीं जो पहले हुआ करती थी, छोटी गंगा बूढ़ी गंगा के नाम से फेमस है। इधर अभी दिखाऊंगा आपको जाके, पहले आपको देवी का मंदिर दिखा देता हूँ जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कुल देवी थी कर्ण की। वो मंदिर अभी नीचे गड़ा हुआ है, सारा का सारा नीचे धस चुका है जमीन में, वो वहां पर है। अभी इधर से जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो पहले आपको दर्शन करा देता हूँ मैं कर्ण मंदिर के, उसके बाद चलते हैं उस देवी के मंदिर पर। ये है कर्ण मंदिर, और यहाँ पर महादेव की तस्वीर भी लगी हुई है, और अंदर देवी का मंदिर। चलो अब चलते हैं इस तरफ, और यहाँ पर है कामाख्या देवी कुल देवी का मंदिर, जो कर्ण की हुआ करती थी, उन्हें सोना दान किया करती थी। उनका मंदिर अभी देखना किस स्थिति में है। ये देखो भाई कितना घना जंगल है चारों तरफ मंदिर के, और ये मंदिर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर की टोपी है मंदिर की, ये सामने आप देख रहे हैं यही है मंदिर की ईंटें, और सारा का सारा मंदिर नीचे जमीन में धसा हुआ है। तो ये तो हो गई बातें कर्ण मंदिर की, दर्शन आपने कर लिए हैं। कामाख्या देवी का मंदिर जितना हो सकता था मैंने आपको दिखा दिया है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना है आपको। तो चलिए अब मैं आपको वह जगह दिखाता हूँ जहाँ पर कुंडल कवच दान किए गए थे, जहाँ पर इंद्र प्रकट हुए थे गंगा किनारे। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ वह स्थान जहाँ पर यह सब घटना हुई थी। और ये रहा वह गंगा नदी का छोटा सा पुल, और यहीं पर बहती है एक छोटी सी धारा गंगा की, जो बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। पानी तो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, और घना ही घना जंगल है चारों तरफ। अंदर तो मैं जा नहीं सकता, जितना हो सकता है दिखा रहा हूँ आपको, दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगा अभी जाकर के। इधर से अच्छे से देख पाएंगे आप, देखो तो ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ तक पानी पानी भरा हुआ है। तो यही स्थान है जहाँ पर कुंडल कवच दान किए गए थे कर्ण के। तो गंगा स्नान के मेले में यहीं पर लोग स्नान कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर जा करके, यहीं पर पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ तो पानी है ही नहीं, आपने देखा है वीडियो में। तो ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ से उतर के जाते हैं नीचे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।